क्या देख रहे हो भाई? ये ऐसे ही है, 20-30 रुपए की चीज लेने के लिए इतना देख रहा, टटोल रहा है, लेकिन ऑनलाइन से हजारों रुपए की शॉपिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जिसमें कुछ देखता नहीं है, सिर्फ फोटो देखकर ले लेता है और बाद में पछताता है। तो क्या करूं? चल मेरे साथ कोयले इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे तू एक ही जगह पे सारी चीजें खरीद सकता है, जैसे फ्रिज है, एसी है, टीवी है, और साथों साथ तू वहाँ पे चीजों को देख सकता है, टटोल सकता है और फिर खरीदना है। अगर तेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, वहाँ पे फाइनेंस की भी फैसिलिटी है, सेम डे डिलीवरी होगा तेरे घर पे सामान। चल कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक। पिछले 11 सालों से मुंब्रा का सबसे भरोसेमंद कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक अब दोस्त अपार्टमेंट से शिफ्ट होकर और बड़ा शोरूम न्यू नैशमन कॉलोनी डॉक्टर दादन के पास है। तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स। मुंब्रा की जनता नजीमुल्ला को करारा जवाब देगी। ये नजीमुल्ला ये छिछोरा काम कभी करेगा नहीं। कब्रिस्तान चोर है वो बैट के ऊपर जो बॉल आये ना, वो सही बॉल आयला है। जितेंद्र आवर की तो नैया डूब चुकी है, कहाँ है आमदार नीति बताओ। चोर को जो सिक्सर में है ना, वो ऐसा उड़ने वाला है ना, चला कभी दिखेगा नहीं। कि ये जो सामने नजीब भाई का बैनर लगा है, किसने फड़वाया? सबूत दे सकती हूँ। बैनर का फटने के धंधे है ना, ये जितेंद्र अवार्ड के लोग करते हैं। और ये जितेंद्र अवार्ड ने ये बच्चे को जो स्कूल में डाला था, वो बच्चा आज फिर बुक बेच रहा है। देखो ये जितेंद्र अवार्ड का काम है, वो नजीब मुल्ला ही सिक्सर मार सकता है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा और कलवा में बैनर लगाया गया था, दरअसल उस बैनर में नजीब मुल्ला को बैटिंग करते हुए दिखाया गया और जो बॉल थी, जो गेंद था, वो जितेंद्र अवार्ड का सर लगाया गया था। इस तरह के बैनर जो है लगाए गए थे। राजन दादा, आपके ही यहाँ पर सामने बैनर लगाया गया था नजीब मुल्ला का, जो बैटिंग करते हुए जितेंद्र अवार्ड के सर को मार रहे हैं। वो क्या मालूम है क्या? गुरूर टूटेगा, घमंड जो है। तो इसके लिए मैं हमारे में मराठी में एक बार फिर से दोहराता हूँ। अभिमान है उठे मत्सर मत्सर है तिरस्कार पुढ़े क्रोधाचा विकार प्र बड़े बड़े आता असो है बोलणे अधिकारासरे के घेणे परंतु अभिमान त्यागणे हे उत्तम उत्तम। म्हणजे गुरूर तुटने की जब बात करते ना, तो ये अभी परसों राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठान का ये हुआ, तो उसमें प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था कि मुझे रावण को मारना नहीं है, मुझे रावण का जो गुरु है, जो घमंड है, उसको मारना है। तो ये जो बैनर जो लगा है ना, ये नजीब मुल्ला ये छिछोरा काम कभी करेगा नहीं। और अगर नजीब मुल्ला को बैनर लगा के अगर उसका बैनर लगाने का है, तो उसका डंकी की चोट पे खुद का नाम लिखेगा, शानू पठान का और शमीम खान का नीचे नाम नहीं लिखेगा, समझे क्या? और रही और वो बैट के ऊपर जो बॉल आयला है ना, वो सही बॉल आयला है, वो नजीब मुल्ला ही सिक्सर मार सकता है, समझे? तो मैं बोलता हूँ कि जो है ना, ये नजीब मुल्ला काम कभी करेगा नहीं, क्योंकि नजीब मुल्ला ने जितेंद्र आवड़ के खिलाफ एकदम स्टेटमेंट दिया है और वो रिकॉर्ड पे, तो जब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे, तो छुपे पर्दे के पीछे रह के ऐसा काम क्यों करेगा? नजीब मुल्ला ये काम कभी करेगा नहीं। जनता का उसमें जिक्र किया गया था कि जनता जो है वो सबक सिखाएगी, लेकिन एक अहम बात और है कि बैनर रात में ही लगा और हटा भी दिया गया। क्या मतलब क्या? जनता सबक सिखाएगी, लेकिन जनता किसको सबक सिखाएगी? जितेंद्र आवड़ को, क्योंकि जितेंद्र आवड़ को मालूम है कि अभी नजीब मुल्ला मेरे साथ में नहीं है, नजीब मुल्ला के बिना मैं अधूरा हूँ। तो वो नजीब मुल्ला के प्रति जो सहानुभूति है, नजीब मुल्ला के साथ में जो लोग है, उनको ऐसा उनकी सहानुभूति तोड़ने का काम जितेंद्र आवड़ के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि क्या मालूम है क्या, अभी जितेंद्र आवड़ की तो नैया डूब चुकी है, वो तो सब पब्लिक ही डुबाएगी, जनता ही डुबाएगी, वो तो सब उसको मालूम पड़ा है। इसके लिए अभी वो ऐसे पैतरे हथकंडे ये सब उसको ही आते हैं, ये बाकी किसको नहीं आता है? ये सब काम करने वाले लोग हैं और काम के ऊपर ध्यान देंगे, ये सब बैनर लगा के छिछोरी गिरी करके ये काम नजीब भाई का नहीं है। एक आखिरी सवाल, जो टूर्नामेंट नजीब मुल्ला का हुआ, उसमें मुंब्रा वालों ग्राउंड में मत जाओ इस तरह का उन्होंने कहा, एक लड़के को मारा भी, और वीडियो वायरल हो रही है कि मुंब्रा की जनता नजीब मुल्ला को करारा जवाब देगी। वो सवाल ही नहीं उठता है, जवाब नजीब मुल्ला को नहीं देंगी, नजीब मुल्ला को जवाब नहीं देगी, जितेंद्र आवड़ को करारा जवाब दे देगी, क्योंकि जितेंद्र आवड़ ने इतने 15 साल में मुंब्रा में क्या किया है मेरे को बताओ ना।
मैं ये बात बोलूँगा जब अभी ये स्टेट ये प्लेटफॉर्म नहीं है वो बातें बोलने का, जब अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा स्टेज रहेगा वहाँ पर मैं बोलूँगा कि जितेंद्र रावत को आप लोग किस तरीके से यहाँ पर 15 साल में आपने उसको यहाँ का दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ दे दिया, लेकिन जितेंद्र रावत ने आपके लिए क्या दिया? जो नजीब मुल्ला का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, इतना ध्यान में रखना। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि जितेंद्र रावत ने काम किया है यहाँ पर, बहुत लोग बोल रहे हैं। अरे जितेंद्र रावत ने कोई भी काम किया है ना, तो मैंने पिछले टाइम एक आपको बताया था कि मेरे को जितेंद्र रावत ने कौन सा काम किया है ना, उसके लिए मेरे को एक उसका ब्रेन मॉपिंग या नार्को एनालिस्ट टेस्ट का जितेंद्र रावत ने मेरे को एनओसी देने का, उसको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके सवाल के लिए उसने उसको ब्रेन मॉपिंग और नार्को एनालिसिस के लिए उसके एनओसी मांगता है, वो देना मांगता है उसने, वो उसके उसके पास हिम्मत नहीं है एनओसी देने के लिए, मैं जो पूछूंगा उसके लिए। कहाँ है आमदार नीति बताओ? ये सब महानगर पालिका के माध्यम से काम किया है, इसने सिर्फ टकेवारी खाने का काम किया और कुछ नहीं किया। कब्रिस्तान चोर है वो, कब्रिस्तान किसने खाया, स्लॉटर हाउस किसने खाया? तो चोर की बातें मत करो, वो चोर को जो सिक्सर में है ना वो ऐसा उड़ने वाला है ना चला कभी दिखेगा नहीं, वो तो वो चोर है, उसने मुमरा को बेच के खाया है। ऐसी चीज़ें गिनाएंगे ना, जाके उर्दू स्कूल की हालत देख लो, 2 बच्चों को एडमिशन करा था, 1500 बच्चों की हालत ख़राब है, यहाँ की TMC स्कूलों की हालत देख लो, रास्ता बिस्ता बता था, चोर है, इसलिए ये चोर है ना ये जाएगा, और इसको है ना इस बार बहुत गंदी तरीके से आज इसको तकलीफ़ हो रही है, नजीब भाई के इतना जो प्रचार हो रहा है, बर्थडे में लोग आ रहे, तो ये बैनर फाड़ने के भी ना लोग वो लोग ही करते। ऐसी चीज़ बता सकती हूँ, अभी बता सकती हूँ कि ये जो सामने नजीब भाई का बैनर लगाया किसने फड़वाया, सबूत दे सकती हूँ, इसी के लोग इन्हों का ही नया डुबाएंगा, और इसका सत्यानाश हो चुका है और इन्हीं के लोग इसका सत्यानाश। राजनीति में बैनर फटता है, लेकिन मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद को इस तरह से 4-5 लोग मिलकर जो है उसको बेरहमी से पिटाई करना, ये कितना सही है? अभी इरफान भाई, मैं तो भाई बोलती हूँ उसको, इरफान भाई पे जब केस होगा ना, इरफान भाई जब बताएंगे क्या वो जो बैनर फाड़ा था इरफान भाई ने, तो किसके बोलने पे फाड़ा था, किसकी सुपारी ली थी उन्होंने मारा, उसका तो हम निश्चित करते, कोई किसी को हाथ नहीं लगाने का, ये रिदा रशीद बोलती है, ना ही किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने का, लेकिन इरफान भाई को ये भी बताना पड़ेगा किसकी सुपारी लेके बैनर फाड़ा, और ये बैनर का फाड़ने के धंधे है ना ये जितेंद्र अवार्ड के लोग करते हैं। आपको बता दूं कि एक जितेंद्र अवार्ड में ये 15 साल में काम किया था, अच्छा काम किया था, लेकिन वो काम उसने अपने शोबाजी के लिए किया था। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे का ये है जिसको स्कूल में लेके जाके उसको ड्रेस ये किया था म्यूनसिपल्टी में, और उसको जो ये किया था, फिर से वो बच्चा यहाँ पर बुक बेच रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये बाकायदा मैंने ये जियो टैगिंग करके उसका वो बच्चे का ये करके लिया था उसका, और ये जितेंद्र रावत ने ये बच्चे को जो स्कूल में डाला था वो बच्चा आज फिर बुक बेच रहा है। देखो ये जितेंद्र रावत का काम है, और 15 साल में उसने ये एक अच्छा काम किया था, उसमें भी उसने हुलाहुल करके उसको फिर से अपने रास्ते पर लेके आया। तो आपने सुना कि किस तरह से जो यहाँ के विधायक है उनके ऊपर किस तरह से निशाना साधा जा रहा था, और जो बैनर लगाए गए थे नजीब मुल्ला और जितेंद्र रावत का क्रिकेट मैच वाला, वो बैनर जो है यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन वहीं रिदा रशीद और राजन दादा जो पुलिस स्टेशन में आए हुए थे, सीनियर से मुलाकात की है तमाम मामलों को लेकर, और भी उनके पर्सनल कुछ बातचीत हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं अब मुमरा की राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म होते जा रही है।